तो फ्रेंड्स ध्यान से देखें, आज एक नई वीडियो और नया टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा पायदान। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोगों की मशीन कभी कभी भारी चलती है, बहुत भारी चलती है और पैर भी थक जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या समझते हैं कि हमारी मशीन भारी चले, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी पायदान भी भारी चलता है और पायदान की तरफ बिल्कुल ध्यान जाता ही नहीं। तो आज हम पायदान बताएंगे, पायदान की सर्विसिंग कैसे करें। वैसे तो हमने इसकी सर्विसिंग कर ली है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे पायदान की सर्विसिंग कैसे करें। और अगर पायदान मेरा सही चल रहा है तो फिर हमारी मशीन भी एकदम ओके चलेगी, बिंदास चलेगी। तो ध्यान से देखें, कभी कभी क्या होता है कि हमारा पायदान कुछ इस तरीके से खटर खटर करने लगता है। देखें ध्यान से, इस तरीके की कंडीशन भी हो जाती है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, देखें ध्यान से। प्रॉब्लम हमारी ये होती है, देखें कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कट जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कट जाता है, कटने की वजह से ये ढीला हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, अंदर इसके धागा भी फंस जाता है। तो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। उसकी सर्विसिंग कैसे करें, कौन सा ऑयल लगाएं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बस आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। तो चलिए देखें ध्यान से, यहाँ से हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें यहाँ से इसका पेंच खोल लेना है। देखें, देख सकते हैं ये धागा इस तरीके का कभी कभी फंस जाता है, बहुत से धागे आपके फंसे हुए होंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से पहले सबसे पहले हमें इस बोल्ट को खोल लेना है। तो इस बोल्ट को खोलने के लिए इस वाली रिंच का इस्तेमाल करेंगे। छोटी रिंच है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन नंबर तो इसका मिट गया, इसलिए नंबर तो मैं आपको नहीं बता सकते कितना है नंबर। चलिए फिर भी हम इससे खोल कर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले इस तरीके से इसे खोल लें। देखिए हम एक बार खोल चुके हैं इसे। ठीक है, इसलिए आप लोग बस ध्यान से देखें। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे खोल लेना है पेचकस लगा के, और धागा वगैरह निकाल लेना है इसका। ठीक है, जो भी धागा लगा है या हमने लगाया है, क्योंकि भाई देखिए हमारा तो हमारी मशीन तो ऑलरेडी पहले से ही एकदम क्लीन है और बढ़िया है। तो इस तरीके से आप धागे को निकाल सकते हैं, इस तरीके से धागे को निकाल दें। ठीक, अगर नहीं निकल रहा किसी कारण, बस किसी भी कारण बस नहीं निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके की माचिस ले लेनी है। इस तरीके से माचिस लेकर और इस तरीके से आप धागे में आग भी लगा सकते हैं। आग लगाने से क्या होगा, जो भी धागा होगा वो जल जाएगा, और जलने के बाद हमारी मशीन बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो इस तरीके से आग लगा दें, या आपके पास लाइटर हो तो लाइटर से भी आग लगा सकते हैं। इस तरीके से आग लगाने से क्या होगा, जो ये धागा होगा जल जाएगा, और जलने के बाद राख बनकर निकल के बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से धागा जला लें। जलाने के बाद इस तरीके से धागे को निकाल दें। थोड़ा इसे कस लें और इस तरीके से पकड़ लें। और पकड़ने के बाद तो इस तरीके से धागे को काट कर निकाल लें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप लोगों से अनुरोध है कि आपके लिए हम स्पेशल टाइम निकाल कर वीडियो बनाते हैं। निकल के बाहर हो जाएगा, देखें ध्यान से। इस तरीके से धागा, इसी तरीके के धागे फंस जाते हैं, इससे हमारी मशीन क्या होता है कि भारी चलने लगती है। तो चलिए इसका ये निकल गया धागा। अब हमें क्या करना है, देखें ध्यान से, इस साइड भी देख लें, कोई धागा वगैरह फंसा हुआ ना होना चाहिए। ठीक, अगर इस साइड भी धागा फंसा हुआ है, देखें ध्यान से, इस साइड भी अगर फंसा हुआ है तो इसे भी यहाँ पर निकाल दें। निकालने के बाद जैसे हमने खोली थी वैसे ही मशीन को कस दें, ये हमारी इसी तरीके से कस जाएगी। ठीक, कसने के बाद हमें इस तरीके से पैंच को कस लेना है, कितनी रखनी है ताकि हमारी मशीन भारी भी ना चले और अच्छे से काम करती रहे। तो ऐसे टाइट कर लें। तो ध्यान से देखें, इस तरीके से हमने धागा निकाल दिया, देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गई है। अभी ये अब बिल्कुल यहाँ पर धागा नहीं रहा, बिल्कुल देखें बिल्कुल साफ हो गई। अब हमें क्या करना, ये नारियल वाला तेल डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा होता है तो ज़्यादा देर तक ये टिकाऊ रहता है। ठीक, तो चलिए इसमें नारियल का तेल डालते हैं। देख सकते हैं नारियल तेल इसीलिए डालते हैं कि ये थोड़ा गाढ़ा होता है और अच्छा होता है। तो चलिए यहाँ पर भी डाल दें, आगे कितना ढीला करना वो भी देखना। बस अभी तो हम इसमें ऑयल डाल लें। ठीक, ऑयल डाल लें, उसके बाद फिर आपकी इसकी सेटिंग कैसे करेंगे वो भी आप देखना। हाँ, ऑयल अच्छे से डाल लें,
ऑयल डालने में कंजूसी ना करें। यहाँ पर भी तेल थोड़ा डालना है, इससे ये है कि बोल्ट हमारे ये बिल्कुल सही कस जाएंगे अच्छे से। बोल्ट भी आसानी से कस जाएगा। देख सकते हैं अभी काफ़ी अभी ढीला और है, तो अभी इसे और थोड़ा थोड़ा टाइट और कर लें, ठीक है। ज़्यादा ढीला रहेगा तो फिर देख सकते हैं इस तरीके से। चलिए थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये ढीला है या नहीं है। देखें ध्यान से थोड़ा, तो अभी पाइप चलाते हैं तो इस तरीके से थोड़ा लूज है, ठीक। तो इसे और थोड़ा इस बोल्ट को थोड़ा ढीला करके और कस लें, थोड़ा टाइट कर लें। चलिए अब ये पायदान हमारा कहीं पे लड़ नहीं रहा है, बिल्कुल सही से देख सकते हैं। अब ये पायदान हमारा बिल्कुल सही से वर्क करेगा। इसे टाइट कर लें, इसमें इस तरीके से डाल दें तेल, खूब अच्छे से तेल डाल दें। मशीन आपकी एकदम मस्त चलेगी और कभी कोई दिक्कत भी नहीं देगी। देख सकते हैं अब हमें क्या करना है, पायदान में हर जगह पे ऑयल को अच्छे से लगा लें। कहाँ कहाँ लगाना है चलिए देखें। हमें यहाँ पर भी लगा लेना, यहाँ पर भी लगा दें और यहाँ पर भी लगा दें। चलिए हमारा सब जगह पर ऑयल अच्छे से लग गया है, तो मशीन चलाएंगे तो बहुत अच्छी चलेगी, एकदम मस्त चलेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको पायदान की सर्विसिंग समझ में आ गई होगी कैसे करनी है। अगर आपकी कोई अगर आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर करें, लेकिन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई आप लोगों से गुजारिश है, इतनी गर्मी में पसीना निकल रहा लेकिन आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।